अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। किचन विद क्वीन में आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी फिश फ्राई। ये फिश जो है बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई ऐसा मसला नहीं है और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है। और जो लोग ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद करते, स्पेशली ये उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 फिश ली है और मैंने मार्केट से उसको बीच में से इस तरीके से कटिंग करवा लिया है। ठीक है, इस तरीके से कटिंग मैंने इसलिए करवाया है ताकि जब हम फ़िश फ्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएगी हमारी फ़िश। अब मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क दूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत कम मसालों में इतनी ज़बरदस्त हमारी ये फ़िश तैयार होगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसके अंदर डाली हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। अच्छे से ऊपर छिड़क लेंगे ज़ीरे को। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके ऊपर डालूँगी नमक। देखिए माशाल्लाह से मैंने सारा नमक अच्छे से छिड़क लिया है इसके ऊपर। और अब मैं इसके अंदर डालूँ 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। अच्छे से हल्दी पाउडर को भी छिड़क लेंगे और अपने हाथों की मदद से इसको फैला लेंगे सारे मसालों को अच्छे से मछली में, ताकि मछली के हर एक जगह पे अच्छे से मसाला लग जाए। ज़बरदस्त सी हमारी ये मछली तैयार होगी। और फिर सारी मछलियों को मैं अच्छे से मसाला लगाने के बाद स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे इनको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। देखिए माशाल्लाह से मैंने सारी मछली लगा के तैयार कर लिए है मसाला। मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 1 घंटे के लिए, फिर हम फ्राई करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है, ऑयल मैंने गरम करके रख लिया है। अब हम फिश डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से मैं 2 मछलियाँ डाल रही हूँ और हमें फ़िश को फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। लो फ्लेम पे जब हम फ़िश फ्राई करेंगे तो हमारी फ़िश बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बनेगी। देखिए माशाल्लाह से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी नींबू। नींबू जो लिया है वो मैंने 1 अदद लिया है और उसके ऊपर अच्छे से मैं छिड़क लूँगी। माशाल्लाह से जो हमारी मछली है ना, ये बिल्कुल नमकीन सी होगी, बिल्कुल भी यानी कि स्पाइसी नहीं होगी ये। और इसके ऊपर मैं ऊपर डाल रही हूँ हल्का सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ऊपर से छिड़क रही हूँ मैं इसको। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई हुई है, इतनी क्रिस्पी बनी है ये फ़िश हमारी। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो मैंने होममेड बनाया है, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप आई बटन पे मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई क्रिस्पी फिश फ्राई तैयार है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर आप भी अपनी पसंद की कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी और इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।